मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं याकूबराज शौकनजी की ड्योढ़ी से बात कर रहा हूँ। ये याकूबराज शौकनजी की ड्योढ़ी में एक दुबई हेयर सैलून बोल के है, जिसका नाम मोहम्मद अजहर है। यहाँ पे जो है गैर जरूरी हरकतें कर रहा, या इससे पहले भी जो है उन्हें जो है गांजे में पकड़ा गया था। उसका ससरा और उन्हें दोनों मिलके जो है गांजा बेच रहे थे, गांजे के केस में पकड़े गए। उसके बाद जेल को जाने के बाद आगे छुट गए। इसको खाली कराया तो इन्हें खाली नहीं कर रहा, ना जाए जो है बस्ती में तंग कर रहा, गैर जरूरी हरकतें कर रहा। हमारे ऊपर जो है गैर जरूरी इल्जाम लगाया कि आप लोग जो है फाइनेंस का कारोबार करते, लाइन ड्राफ्टिंग करते, मेरे को पूरे जने मिलके मारे, गैर जरूरी बात जो है तो वो वायरल करा। लड़ाई की वजूहत क्या? लड़ाई कुछ भी नहीं, बच्चे मदरसा है नीचे, मदरसे के नीचे जो है उन्हें दो मलियों में किराए से, किराया भी वक्त पे नहीं दे रहा। क्या वो गलत आदमी है? बस्ती पूरी भजन है। इससे पहले भी जो है एमएलए, साबिक एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब जो है बोले थे खाली कर दो बोल के, आज 1.5 साल हो गया उसको बोल के खाली नहीं कर रहा। हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको खाली करा दो। सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं, पूरा ग्रुप बना के 8-10 लोग मिलकर उनको मारे बोल के। हम लोग नमाज को जा रहे थे कल मगरिब के टाइम, बच्चों को जो है गैर जरूरी जो है ऊपर से ढकल के मारा पीटा। तो हम लोग जो है उसको जाके बात करे, मौली साहब है वहाँ के मदरसे के, मदरसे के मौली साहब को ये बोले, साहब आप ये बच्चों के उस्ताद है, आपको मानने का हक है, ये कोई गैर आदमी नहीं मानना इनको। बोले तो उन्होंने आगे बोले क्या है रे तुको ने क्या है बोल के उन्होंने झगड़ा करे, तो झगड़ा हुआ साहब। ये तो लड़ाई कहाँ थे? उनसे शुरू है, आपसे शुरू हुई? नहीं, उससे शुरू हुई। बच्चों को गैर जरूरी जो है उन्हें मारा, मदरसा है नीचे, मदरसे के तहत वो जो है पूरा घर है, और हमारे पे नाजायज जो है इंटरेस्ट का कारोबार करते, मेरे जो है मदरसे के दुकान के सामने पेशाब कर रहे, आगे गैर जरूरी हरकतें कर रहे बोल के जो है गैर जरूरी बातें कर रहा हूँ। उन्होंने भी आपके ऊपर हमला करे? हाँ साहब, कम्प्लेन करे? हाँ, हम भी कम्प्लेन करे, उन्होंने भी कम्प्लेन करे। हमारा ये पेपर है, कल पीएस में जो है जाके हमारे ताल्लुक से उन्हें भी कम्प्लेन करा, हम भी कम्प्लेन करे। और उसकी बीवी जो है उसकी जरूरत देखो, शरीफ है बोलते है, शाहरुख बोल के हमारे साहिबजादे है, शाहरुख खान को जो है पीएस के अंदर एसआई सर्कल के सामने जो है पचकड़ मारी। उसके ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए आप लोग, पुलिस वालों से हमारी मेहरबानी है कि ऐसी औरत को जो है पनिशमेंट दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, जो कि मैं 64 दिन की ड्योढ़ी में रहता हूँ। तकरीबन मेरे दादा, मेरे वालिद साहब 100 साल से रहते ड्योढ़ी में। ये एक दुबई हेयर सैलून बोल के वो के बल्लागुड़े से आके यहाँ पे मलगी किराए पे लेके, हजाम की कटिंग की दुकान ले लेके यहाँ पे क्या है बस्ती वालों को तंग कर रहा। इससे पहले भी मैं इसको दुनिया का सपोर्ट भी करा था, साथ भी दिया था, मगर उन्हें क्या करा, हम लोग के लोगों के साथ ही नाइंसाफी करा। मदरसा है, मदरसा है बोल के हम लोग पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे, कचरा डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो मदरसे के ऊपर पेशाब कौन करते हैं भाई, बोलो आप। जितने भी जाहिल लोग आए, फिर हमारे वालिद साहब हाजी है, इंटरेस्ट का कारोबार करते है, वो करते है बोल के बोल रहे हैं। आज खुद आके आए, अगर उन्हें गलत बातें बोलेंगा तो उसकी आस औलाद पूरी बर्बाद हो गई। और पीएस में जो है रैन बाजार पीएस में जो लेडीज है उसकी बीवी आयशा सुल्ताना मेरे ऊपर हाथ उठाई, सर्कल साहब भी थे और अपने एसआई साहब थे, पूरे कांस्टेबल साहब थे, उन लोगों के सामने मेरे को मेरे फेस के ऊपर मारी उन्हें। फिर भी मैं बोला चलो लेडीज है, मेरी सर्कल साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से गुजारिश है कि स्टिक से स्टिक एक्शन लीजिए और उसकी मलकी खाली कराइए यहाँ से। और पूरा महल्ला भजन है उससे, उसको कितना भी सपोर्ट करे तो उन्हें वही चाहिए। कमिश्नर साहब से, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और एरिया सर्कल साहब से, मधुसूदन साहब हमारे को कभी भी लुक आफ्टर करते, सर्कल साहब का हम तय दिल से वो करते, शुक्रिया अदा करते। हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहाँ से हम लोग को बोला अरे यहाँ से नहीं जाना और पीछे से जाना, वो ये साहब हम लोग पुराने लोग आए, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए आप। इन्हें आया आगे 2-3 साल नहीं हुआ, ये मलगी मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है बोल के बोल रहा, ये कुछ गिफ्ट कर दिए, ये कर दिए बोल के बाहर कस के 24 लोगों को बुला के बिठा रहा, तेरे को बता तो रहे वो ये बोल के, और झूठे झूठे बात पूरे हम लोग के अगेंस्ट में बोला होंगे, आप देख सकते हो वीडियो में है। हमारी एक ही गुजारिश है कि खाली करा दिया बस।
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, तीन वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहीन के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीजा और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9994994010 और 0402956292।